हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, मैं आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दी थी और मैं एक दो जगह इंटरव्यू दे के भी आ गई थी। थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बैकग्राउंड के उसी से बहुत ही रोशनी आ रही है और मैं सुबह सुबह जॉब पे जा रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। बट आज का वीडियो इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि आप सोचोगे क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा फर्स्ट डे कैसा गया। मेरे आर्टिकलशिप का मेरा कल फर्स्ट डे था, आज मेरा सेकंड डे है, तो मेरा कल का दिन कैसा गया मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज जो कल का दिन था ना, इस ओके ठीक ठाक था, ज्यादा बुरा नहीं था, बट हाँ ओके था। वैसे बोल सकते हैं ना कि लेकिन बहुत ही काम कराया यार आर्टिकल, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था ना कि जैसा, इससे अच्छा तो मुझे पढ़ाई लग रहा था। तो अपनी लाइफ तो जी पाते थे, थोड़ी देर मोबाइल तो यूज कर पाते थे। कल पता है ऐसे दिन आ गया था मेरा कि मतलब मैं मोबाइल भी यूज करने को नहीं मिल रहा था। एंड सीरियसली कल बहुत ही काम कराया। अब क्या क्या कराया वो भी मैं बता देती हूँ इसी वीडियो में। ITR कराया, ITR कराने के बाद फिर क्या नाम है जी, हम लोग को ITR सिखाया, उसके बाद टैली कराया, उसके बाद बैम करके एक मतलब जितने भी क्लाइंट आते हैं उनका इन डिटेल रिकॉर्ड बनाना रहता है वो सिखाया, और एक्सेल शीट पे जाके कैसे उसको फिलअप करना रहता है, उतने क्लाइंट को कैसे सर्च करना रहता है, ये सब बताया। और वो लोग एक एक बार बता रहे थे, बाकी आपको पूरा करना था, और इतनी मोटी फाइल ला के डाल दी और बोले इसको टैली करके दो। तो उसका फिर टैली कर रहे थे, उसका ओपनिंग बैलेंस, किसी का डेटा ही पूरा नहीं था, किसी का डेटा आधा मेल पे आया था, आधा हाँ डॉक्यूमेंट निकाल के रखा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे हो गए थे जिससे बहुत कंफ्यूजिंग भी हो गया था। और पहली बार हम आर्टिकल थे तो अपने जो वहाँ के एम्प्लॉय भी थे ना, वो भी हमारे ऊपर काम डाल रहे थे, और प्लस हम तो इंटर्न है और भी फर्म में काम कर रहे थे। फर्म में आप जानते हो कितने सारे क्लाइंट रहते हैं, छुट्टी की तो बहुत मगजमारी है। छुट्टी यहाँ पे सिर्फ संडे को रहेगी, बाकी तो यहाँ पे छुट्टी के कोई वो नहीं है। और बात चली मेरे घर से यहाँ पे, वहाँ पे जाने के लिए 1 घंटा लगता है और आने के लिए भी 1 घंटा। अभी टाइमिंग क्या था हमारा जॉब का, 10 से 7 का था, 10 o'clock टू 7 o'clock। बट क्या हुआ कि 10 o'clock टू 7 o'clock ना, कल छोटी छोटी उनको ITR का लास्ट डेट चल रहा है, तो मंथ एंडिंग चल रहा है प्लस लास्ट डेट ऑफ ITR चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने कल हम लोग को 8:30 बजे छोड़ा। और कुछ तो वहाँ पे 11 बजे तक, 12 बजे तक ऐसे रुकते हैं, बट हम लोग को 8:30 बजे, हम लोग दूर से आते, ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, उसके बाद ट्रेन भी हम लोग को नहीं मिलता जल्दी, तो लोकल के इशू की वजह से हम लोग को 8:30 तक छोड़ दिया। लेकिन फर्स्ट डे 10 बजे से 8:30 बजे तक काम करना बहुत ही मेरे लिए टफ पड़ा। एंड सीरियसली मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि वहाँ पे मैं थोड़े थोड़े रिकॉर्ड कर पाई हूँ। मैं मतलब बोली तो नहीं हूँ, बट हाँ थोड़े बहुत वहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड कर लिया है, बोलते ना स्ट्रीट डालने के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो मैं इस वीडियो में दिखा दूंगी कि वहाँ पे क्या क्या काम कराते हैं। मैंने थोड़ा ITR का स्ट्रीट किया है, थोड़ा टैली का स्ट्रीट किया है, तो वो सबका स्ट्रीट करके मैंने इसी में डालूंगी। और कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना, और प्लस एग्जाम के रिजल्ट का टेंशन तो ऑलरेडी है, ऐसे काम होता रहेगा तो फिर सच्ची इंसान पढ़ाई नहीं कर पाता। अभी मैं सोची कि आर्टिकलशिप करके साथ क्यों सब पढ़ाई नहीं कर रही, बट हाँ अगर आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट हो गई है तो आप इसके साथ मैनेज कर सकते हो। अभी जैसे अभी बोल रहे हैं ITR का लास्ट डेट चालू है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हो रहा है, नहीं तो 7 बजे तक आप लोग को छोड़ देंगे, तो थोड़ा ये अच्छा है, बट देखते हैं क्या होता है। मैं आपको ऐसे ही ब्लॉग बना के बताती रहूंगी कि आपका कैसे मेरा कैसे दिन जा रहा है, आर्टिकल में क्या सिखाया, क्या नया नहीं सिखाया। अब जब GST आएगा तो GST के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम है और जैसे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका कमेंट में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। जैसे 1-2 कमेंट आया है मैं उसको वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, जल्दी वो वीडियो आ जाएगा। लेकिन आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप बता देना कमेंट में, और कमेंट में मुझे दिखा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।